हेलो बच्चों, कोरोना महामारी की वजह से अभी स्कूल सारे बंद है, जिसकी वजह से मैंने ऑनलाइन स्टडी आज से स्टार्ट की। ओके, तो जो शेड्यूल रहने वाला ऑनलाइन स्टडी का स्कूल द्वारा टाइमिंग जो प्रोवाइडेड है उसी टाइम पर आपके स्टार्ट होने वाला है। तो आज से मैं स्टार्ट करने वाले 10th का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले अपन ने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ चुके थे, जिसके बारे में थोड़ी सी अपने को नॉलेज तो है ही। ओके, फिर भी अपन आज स्टार्ट करने वाले फर्स्ट चैप्टर जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देख रहे थे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसे बोला जाएगा। ओके, तो एक्चुअली अपने पास एक इक्वेशन रहने वाली है जिसमें हमारे पास क्या रहने वाले हैं, दो वेरिएबल्स रहने वाले हैं। और लीनियर इक्वेशन अपन उसे इसलिए बोलने वाले हैं क्योंकि जो इक्वेशन रहेंगे उसकी डिग्री क्या रहेंगी, 1 रहेंगी। इसका मतलब यदि अगर से इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म देखा जाए तो हो जाएगा ax plus bx dy ax plus by plus c equal to 0, जो कि ए लीनियर इक्वेशन का क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। ओके, तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ये लीनियर इक्वेशन का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसे लीनियर इक्वेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो इक्वेशन है पूरी इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी मात्रा 1 है। ओके, जैसे एक्स का पावर यहाँ भी 1 आ रहा है, वाई का पावर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। इसलिए हमारे क्या कहलाएंगे, लीनियर इक्वेशन। ओके, अब लीनियर इक्वेशन तो पता चल गया अपने को, बट इसे टू वेरिएबल इसलिए बोलते हैं अपन क्योंकि हम इसमें कितनी वेरिएबल यूज कर रहे हैं, दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं, एक यहां एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें एक्स और वाई ही वेरिएबल का यूज करना है, हम चाहे तो इसके जगह एम और एन लगा सकते हैं, पी और क्यू भी एक वेरिएबल का अपन यूज कर सकते हैं। ओके, बट स्टैंडर्डली अपन जनरली जो यूज करते हैं वो करते हैं एक्स और वाई यूज करते हैं। इसलिए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये लीनियर इक्वेशन जो कहलाएंगे आपका, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहने वाला है। ओके, तो बच्चों लीनियर इक्वेशन आपको समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन हम किससे बोलने वाले, तो लीनियर इक्वेशन किससे बोलेंगे, जिस इक्वेशन की डिग्री कितनी रहने वाली है, 1 रहने वाली है, और उसमें कितने वेरिएबल रहेंगे, 2 वेरिएबल रहेंगे। 2 वेरिएबल रहेंगे तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो जाएंगे। ओके, तो लीनियर इक्वेशन कब बोलेंगे, जब डिग्री कितनी रहेंगे, 1 रहेंगी। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कब बोलेंगे, जब डिग्री 1 और कितने वेरिएबल रहेंगे, 2 वेरिएबल रहेंगे, तब तो जाकर तुम्हारा क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें जो x का कोएफिशिएंट दिखाई दे रहा है ये रहने वाला है, तो दोस्तों ये जो रहने वाला है ये नॉट इक्वल टू क्या रहने वाला है, वो 0 रहने वाला है। इसका मतलब a की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्यों, यदि अगर a 0 हो जाता है तो x और टर्म 0 हो जाएंगी, तो मात्र by प्लस कितना बचेगा, c बचेगा, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कहलाएंगे। ओके, मात्र वो एक ही वेरिएबल बच जाता है, इसलिए a की वैल्यू 0 के बराबर रहने वाली नहीं है। उसी तरह b आल्सो नॉट इक्वल टू क्या रहने वाला है, 0। b की भी वैल्यू अपन 0 के बराबर नहीं ले सकते, जैसे b 0 हो जाएगा तो उस समय क्या होगा, y वाले टर्म तुम्हारे 0 हो जाएंगे, और y वाले टर्म 0 हो जाएंगे तो अगेन तुम्हारे पास इसमें मात्र एक ही वेरिएबल बच जाएगा, जिसमें अपन अगेन इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं बोल सकते। इसका मतलब अगर से कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो ना, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना जरूरी है, x plus by plus equal to 0। ओके, और जिसमें a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए और b की वैल्यू किसके बराबर रहना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। तो फिर a और b क्या हो सकते हैं, तो a एंड b जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके, n भी क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो जैसे कि इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो एग्जांपल में जैसे मैंने लिखा 2x plus 3y plus 7 इक्वल टू 0, तो ये भी हमारे एक क्या कहलाएंगे, एक लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे इन टू वेरिएबल। ओके दोस्तों, यदि इसको लिखते हो 2m plus 4n प्लस 8 इक्वल टू 0, तो अगेन ये कहलाएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि वेरिएबल कौन से रहने वाले, m और n रहने वाले। ओके दोस्तों, यदि अगर से अपन इस टाइप से लिखे √2x plus 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएंगे, इसमें अगेन ये लीनियर इक्वेशन हो जाएंगे। बट आप बोलेंगे सर ये कोएफिशिएंट जो दिखाई दे रहा है, मींस a की जो वैल्यू है वो कितनी दिखाई दे रही है, √2 दिखाई दे रही है। अब a की वैल्यू √2 दिखाई दे रही है, इसका मतलब तुम्हारे पास जो a का कोएफिशिएंट है, हमने अभी भी बोले, तो कोई भी क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। ओके, ये और भी क्या हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, इसका मतलब √2 भी हो सकता है, फिर फ्रैक्शन वाले भी नंबर हो सकते हैं, जैसे कि 4/3x + 7y प्लस 8 इक्वल टू 0, अगेन हमारे क्या कहलाने वाले, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाने वाली। यदि दोस्तों ये इस टाइप से है 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y इक्वल टू 4, तो ये तुम्हारी लीनियर इक्वेशन नहीं रहने वाली। ओके, क्योंकि इसमें जो 1 अपॉन x की तरह x x ऊपर जाता तो डिग्री कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, जो कि हमने लीनियर इक्वेशन में क्या बोला, डिग्री कितनी होना चाहिए, +1 होना चाहिए, तो अगेन तुम्हारे लीनियर इक्वेशन कहलाने वाली नहीं है। तो ये चीज हमारे को बेसिक सी चीजें याद रखना है कि किसे हमें लीनियर इक्वेशन
इक्वेशन कहना है और किसे नहीं कहना है। तो लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे, जिस इक्वेशन में डिग्री कितनी रहेंगी, 1 रहेंगी, उस टाइम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बोलेंगे, जब कोई इक्वेशन की डिग्री तो 1 रहेगी और कितने वेरिएबल रहेंगे उसमें, 2 वेरिएबल रहेंगे, तब जाके हम उसे बोलने वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके दोस्तों, तो अभी तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो अपने देखे, अब इसके सॉल्यूशन कैसा बनाना है, तो सॉल्यूशन उसको बनाने के लिए हमारे पास अलग-अलग क्या रहने वाले, इसकी मेथड्स रहने वाले। ओके, तो इसकी जो मेथड्स रहने वाली है उसमें से एक मेथड होती है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है तुम्हारा ग्राफिकल मेथड और थर्ड एक होता है क्रैमर्स रूल। हम इन मेथड का यूज करके क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन का क्या फाइंड कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन मींस उसमें x और y की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज दी हुई है पहली और उसी के बेसिस पर दी है कि हमारे को उसमें क्या करना है, उसके सॉल्यूशंस बनाना है और कुछ एक्टिविटीज गिवन है जिसको हमें क्या करना है, कंप्लीट करके देना है। तो बहुत ही सिंपल सा रहने वाला है। तो हमारे पास एक एक अपन टाइप के सॉल्यूशन देखते जाएंगे, जैसे इसमें एलिमिनेशन मेथड देख लेंगे, सब्स्टिट्यूशन देख लेते, ग्राफिकल देख लेते, क्रैमर्स रूल एक मेथड देख लेते, जिसको आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है। तो अपन अभी स्टार्ट करने वाले फर्स्ट क्वेश्चन जो कि लीनियर इक्वेशन के बेसिस पर रहने वाला, जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 का है, जो कि तुम्हारे पास एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, तो एक्सरसाइज पर आने से पहले आपको मैं एलिमिनेशन मेथड होता है क्या एक्चुअली, उसका एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एलिमिनेशन मेथड से अपन सॉल्यूशन कैसा बना सकते हैं। सपोज कोई इक्वेशन लिया मैंने, सिंपल सी इक्वेशन लिया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1, एंड दूसरे लिया मैंने एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2, तो बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन दी है, उसमें थोड़ी सी एडवांस इक्वेशन अपन ले लेंगे। तो जो इक्वेशन दिखाई दे रही है दोस्तों, इसमें हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 दिखाई दे रहा है, जिसमें हमारे को क्या बनाना है, दोनों लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिखाई दे रही है। इसमें अगेन तुम्हारे पास क्या दिखाई दे रहा है, डिग्री 1 है एंड वेरिएबल कितने, 2 है, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और इसका अपन को सॉल्यूशन बनाना है एलिमिनेशन मेथड से। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमें यहाँ कोई भी एक वेरिएबल को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ओके, तो चाहे एक्स को भी कर सकते हैं या फिर किसको कर सकते हैं, वाई को भी अपन एलिमिनेट कर सकते हैं इसमें। तो हमारे पास जो सिंपल सा एलिमिनेट हो सके उस वेरिएबल को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है प्लस वाई दिखाई दे रहा है और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, माइनस वाई दिखाई दे रहा है, जो कि अपन इसको ऐड किए तो दोनों बहुत आसानी से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, जिससे हमारे किसकी वैल्यू निकल जाएंगे, एक्स की। तो हम इसके एलिमिनेशन सॉल्यूशन बना रहे, इसलिए अपन क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 करें, जिससे वाई क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 किए तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल कितना है, 2 है। जैसे दोनों को ऐड करते दोस्तों, एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, एंड वाई से क्या हो जाएगा, 10 है, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6, देयरफॉर x इक्वल टू 6/2, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना बचने वाला है, 3 बचने वाला है। इसका मतलब x का आंसर कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। देन हमारा यहां क्या लिमिट हुआ है दोस्तों, y लिमिट हुआ है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। ओके, देन x की वैल्यू अपन कोई भी इक्वेशन में पुट अप करते तो हमारे को क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। तो पुट वैल्यू ऑफ पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन मैं कहां पुट कर देता हूं, 1 में। ओके, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 जैसा इंप्लाइज किए, इसमें क्या दे रहा है, x की जगह कितना आ जाएगा, 3 प्लस कितना, y इक्वल टू कितना है, 4 है, देयरफॉर y इक्वल टू 4 माइनस 3। ओके, 3 को ट्रांसफर करते माइनस करते, देयरफॉर y इक्वल टू कितना बचेगा, 1। तो जो इक्वेशन है, सो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 3 एंड 1। ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज कितना हो जाएगा, 3 एंड कितना रहने वाला तुम्हारा, 1। ओके, जिसको अपन कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख रहे हैं। ओके, तो 3 एंड 1 ये क्या कहलाएंगे, इसके सॉल्यूशन। तो दोस्तों, इसके आंसर जो है अपन जो सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं हमारा करेक्ट है या नहीं करके, क्योंकि आई के अपन ने x की वैल्यू 3 और y को 2 इन इक्वेशन में पुट अप करते हैं और इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। चलो चेक कर लेते इसको, तो x की वैल्यू 3 पुट अप कर देते अपन एंड y को कितना पुट अप कर देते, 1 इक्वल टू कितना आ रहा, 4 इन लेफ्ट आंसर इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ रहा 4 आ रहा। सेम इसकी जगह थी, यहां 3 पुट अप करते y की जगह कितना पुट अप करते, 1 तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो कैसे है, आंसर कैसे है, करेक्ट है। ओके दोस्तों, तो हमारा कौन सा मेथड कहलाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। इसमें बेसिक से क्वेश्चन लेते, अब उसी में थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेते, तो जिसमें तुम्हारा कोई सा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया है तो उसका भी सॉल्यूशन आसानी से बना सको। ओके, तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, यदि दोस्तों आपको एक मिनट मेथड समझ में आ जाती है तो आपको आराम से एक्सरसाइज 1-2 एक्सरसाइज आराम से बना सकते हो। ओके, तो चलो दोस्तों मैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, इसमें 4x सपोज 2x प्लस 3y
इक्वल टू टू एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव एक्स ले लेता हूँ इक्वल टू वाई इक्वल टू फोर ले लिया। ओके अब दोस्तों जो इक्वेशन दिखाई दे रही है हमारे पास, इक्वेशन नंबर इसको वन नाम देता है, इक्वेशन नंबर इसको टू नाम देते हैं। पहली इक्वेशन दिखाई दे रही है वो 5x plus 3y equal to 2 and second equation है x plus y equal to कितना दिखा दे रहा है 4 दिखा दे रहा है। अगेन अपने को इसको elimination method से बनाना है। इससे पहले जो क्वेश्चन अपन ने देखे थे उस क्वेश्चन में x और y हमारे पास दो वेरिएबल थे, यहाँ भी हमारे पास x और y दो वेरिएबल है, बट उस और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि उसमें y जो था वो ऑलरेडी सिंगल था, उसके कोएफिशिएंट क्या थे सेम थे और ऑलरेडी वो कैसे था प्लस और माइनस था, चाहे ताकि अपन ने बहुत आसानी से उसमें y को क्या कर सके इलिमिनेट कर पाएंगे ऊपर कर पाए, बट इसमें जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसमें इतने आसानी से y इलिमिनेट होने वाला नहीं है। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात, ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे को y एलिमिनेट करना है, क्योंकि कुछ बच्चे माइंड में सेट कर लेते हैं कि हमें y हमेशा क्या होने वाला है एलिमिनेट होने वाला है y को ही करना है, ऐसा रहने वाला नहीं है। वो y एलिमिनेट नहीं, अपन किसको x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, हम पे डिपेंड करता है हमें एलिमिनेट किसको करना है, तो हम उस चीज को एलिमिनेट जल्दी करेंगे जो बहुत आसानी से क्या हो सके एलिमिनेट हो सके। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें y बहुत आसानी से एलिमिनेट हुआ, इसलिए मैंने y को एलिमिनेट किया। जैसे कि यहां देखते हैं अपन को दोस्तों, तो इसमें भी अपन y को बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे, यहां 3y है और मैं इस y का कोएफिशिएंट 3 बना दो तो इस समय यहां पे क्या बन जाएगा 3y, जो y से y क्या हो जाएगा अगेन एलिमिनेट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा इसमें 3y और ओनली इसमें y, इसका कोएफिशिएंट 3 बनाने के लिए इस इक्वेशन नंबर 2 को मैं 3 से कट कर दूंगा मल्टीप्लाई, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया मैंने 3, मींस इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरी होल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x बन जाएगा 3x, 3 into y बन जाएगा 3y और 4 into 3 कितना हो जाएगा 8, जो न्यू इक्वेशन फॉर्म होगी उसको नाम दे अपन इक्वेशन नंबर 3। अब दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 और 3 को थोड़ा ऑब्जर्व करो तो दोनों में 3y क्या दिखाई दे रहा है सेम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो y वाली टर्म है क्या हो जाएंगी एलिमिनेट हो जाएंगी, हमारी y वाली टर्म जो एलिमिनेट होंगी वो कब होंगी जब यदि इक्वेशन नंबर 1 में से 3 को हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो 3y में से 3y कैंसिल हो जाएगा जो कि क्या हो जाएगा y क्या हो जाएगा उसमें एलिमिनेट हो जाएगा। इसीलिए अपन इक्वेशन नंबर 1 में से 3 को क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 के अपने पास 5x plus 3y equal to कितना 2 था और इक्वेशन नंबर जो 3 है वो है 3x plus 3y equal to 12, बट इक्वेशन नंबर 3 को अपन माइनस कर से ले जो भी साइन है पूरी चेंज हो जाएगा, प्लस था वो माइनस हो जाएगा, प्लस का अगेन माइनस एंड प्लस का हो जाएगा माइनस, और 5 में से 3 से जाएगा तो बचेगा 2x, 3y से 3y अगेन लिमिट होकर कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 12 माइनस करेंगे कितना माइनस 10, 2 डिवाइड में जाता है तो x इक्वल टू दोस्तों आ जाएगा तुम्हारा x इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2, तो मींस x इक्वल टू कितना जाएगा माइनस 5, तो x की वैल्यू कितना जाएगी माइनस 5। अब x तो आ गया हमारा, अब हमें क्या निकालना है यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 में से जो भी इजी लगे आपको वहां क्या कर सकते हैं पुट अप कर सकते हैं, हमारे पास इजी दिखाई दे रही है इक्वेशन नंबर 2, इसलिए मैं x की वैल्यू x इक्वल टू पुट कर रहा हूं x इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन नंबर कहां 2 में। ओके तो जैसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप किया तो इक्वेशन 2 को इंप्लाइज कर देता मैं, तो इस तरह माइनस 5 आ जाएगा प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, देयरफॉर y इक्वल टू 4 ट्रांसफर करते माइनस 5 को तो क्या हो जाएंगे प्लस 5, तो टोटल y इक्वल हो जाएगा कितना 9, इसका y इक्वल हमारा 9 आ रहा है, इसका हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा माइनस 5 एंड प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अगेन तुम्हारा से सेकंड टाइप का क्वेश्चन था जिसमें तुम्हारा जो कोएफिशिएंट था डिफरेंट है, इससे पहले जो क्वेश्चन देखे थे उसमें क्या थे तुम्हारे कोएफिशिएंट कैसे थे सेम थे, अभी तुम्हारे कोएफिशिएंट कैसे दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट दिखाई दे रहे। ओके दोस्तों तो इस टाइप का तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन था जो एलिमिनेशन मेथड का था, सेम उसी तरह तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं एलिमिनेशन में, सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अब इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन एलिमिनेशन में आ जाते हैं, सपोज जिसमें अपन x को क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे, चलो जैसे अपने y को एलिमिनेट किए सेम ऐसा किसको करने वाले अपन x को एलिमिनेट करने वाले। ओके तो x वाला एक क्वेश्चन देख लेंगे, उससे पहले एक y वाला y को एलिमिनेट करते हुए एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, उसके बाद जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें अपन क्या करेंगे x को क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले आता है अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड पर जिसमें y को एलिमिनेट करना, बट अभी अपन ने देखे कि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसका जो कोएफिशिएंट था y का 3 था और जो सेकंड इक्वेशन थी उसका 1 था, तो बहुत आसानी से अपन ने कोएफिशिएंट सेम कर दिए। अब कुछ क्वेश्चन इस टाइप से हो सकते हैं जैसे कि 4x plus 2y equal to 6 and 2x plus 3y equal to 2,
इक्वेशन हम इसको वन नाम देते हैं, इक्वेशन हम इसको टू नाम देते हैं। अब फिर से हमारे पास दो इक्वेशन दिखाई दे रही दोस्तों, जिसमें हमें क्या करना, कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट करना, चाहे तुम एक्स को एलिमिनेट करो या तो फिर वाई को एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, तो अभी जो इक्वेशन दिखाई दे रही है उसमें कोएफिशिएंट हमें क्या लाना, सबसे पहले सेम लाना। ओके, कभी भी अगर कोई तुम्हें इक्वेशन में कोई वेरिएबल एलिमिनेट करना है तो उनके कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब कोएफिशिएंट सेम लाना हमें, यहां से हम एक्स का भी कोएफिशिएंट सेम ला सकते हैं या तो फिर वाई का ला सकते हैं। ओके, तो एक काम करता हूं मैं, इसमें एक्स का कोएफिशिएंट को सेम लाता ताकि एक्स वाला तुम्हारा एक कांसेप्ट क्लियर हो जाए कि एक्स को अपन क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। जिसमें 4x दिखाई दे रहा है, यहां कितना दिखाई दे रहा है, 2x दिखाई दे रहा है, जो कि यदि मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, जो कि एक्स के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसका मतलब हमें जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उनका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसलिए मैं इक्वेशन में क्या कर रहा हूं, ये इक्वेशन नंबर 2 को कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से। इक्वेशन नंबर 2 को यदि जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 की जगह कितना बन जाएगा, 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 बन जाएगा। तो तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 6y इक्वल टू कितना, 4। इक्वेशन नंबर नाम देंगे इसको थर्ड। ओके, अभी दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 और थर्ड को देखते हैं तो दोनों में तुम्हारे पास जो कोएफिशिएंट है क्या दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहे हैं। इससे अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से 3 को क्या कर देंगे, माइनस। इक्वेशन नंबर 1 कितना अपना 4x प्लस 2y इक्वल टू 6 और इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है, 4x प्लस 6y इक्वल टू कितना है, 4 है, जो कि इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर रहे, इसलिए इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज ऑफ प्लस तो माइनस, प्लस का माइनस अग्नि क्या हो जाएगा, माइनस। तो 4x से 4x का हो जाएगा कैंसिल एंड 2y में से 6 हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 4y एंड 6 में से हो जाएगा कितना बचेगा, 2 एंड माइनस 2 को डिवाइड में लिख जाते तो y इक्वल हो जाएगा तुम्हारा y इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 4, देयरफॉर y इक्वल टू माइनस अपॉन बाय 2। ओके दोस्तों, ये तुम्हारा y की वैल्यू हो जाएगी। सेम उसी तरह x निकल रहा था, इसलिए क्या निकल रहा है, y निकल रहा है। y के लिए कोई इक्वेशन में यदि अपन पुट अप कर देते तो हमारे किसकी वैल्यू मिल जाएंगे, x की। तो पुट कर देते y इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 इन इक्वेशन नंबर, जो भी ये आसान हो चलो इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर देते इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 जैसा इंप्लाइज करते हैं दोस्तों अपन, तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा 4 इनटू x प्लस 2 इनटू y की जगह माइनस 1 बाय 2 इक्वल टू कितना, 6, 2 से 2 अगेन कैंसिल दे, 4x इक्वल टू 4x माइनस 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू हो जाएगा कितना, 7 माइनस 1 ट्रांसफॉर्म का प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 6 कितना 7, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 अपॉन 4। तो अगेन हमारा x कैंसिल कितना हो जाएगा, 7 अपॉन 4। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, x को क्या किया, एलिमिनेट किए। तो सेम ही प्रोसेस थी। अब क्वेश्चन ऐसा इसमें एक देखते, इसमें दोनों इक्वेशन को अपने कोई ना कोई टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब दोनों के जो कोएफिशिएंट है डिफरेंट हो, इस टाइप से अपन क्वेश्चन बनाते। तो दोस्तों ये सबको समझ में आ गया, इसको नोट कर लो, कोई भी डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप में आप पूछ सकते हो। ओके, तो जैसे कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। तो सपोज मैं इस क्वेश्चन में 2 की जगह 5 ले लिया, अभी अगर से 5 ले लिया तो अभी बहुत आसानी से अपन इसके कोएफिशिएंट सेम नहीं कर पाएंगे। मैं हमारे पास अब दिखा दे रहे हैं 4, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 3। अभी तक की जो क्वेश्चन नंबर अपने सेकंड थर्ड के उसमें क्या था, कोई भी एक इक्वेशन से अगर से आप इक्वेशन को अपन कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते तो एक इक्वेशन के कोएफिशिएंट के बराबर आ जाता था। ओके, बट यहाँ अपने पास वैसा नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमें करना क्या है वो तो थोड़ा सा हमें याद रखना है। तो जैसे कि यहाँ हमें x या y के कोएफिशिएंट सेम ला सकते, तो चलो x के लिए तुम्हारे पास कोएफिशिएंट सेम लाना तो करना क्या पड़ेगा, और y के लिए कोएफिशिएंट सेम लाना उस समय क्या करना है, वो दोनों चीजें आपको मैं समझा दे रहा हूँ। सपोज ये x के कोएफिशिएंट को यदि हमारा सेम लाना है तो दोनों नंबर को हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके दोस्तों, जैसा 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। तो 4 और 5 का मल्टीपल में मींस 4 और 5 के मल्टीपल में कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, एलसीएम अपन 20 ले सकते हैं। तो इसको 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 को 20 बनाने के लिए कितना, 4 से। इक्वेशन नंबर 1 को अपन 5 से, इक्वेशन नंबर 2 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों में क्या बन जाएगा, 20 फॉर्म हो जाएगा। अगर दोनों के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ओके, सेम उसी तरह हम y के भी कर सकते हैं। तो 2 और 3 के मल्टीपल में आने वाला कॉमन नंबर रहता है 6, मींस एलसीएम मतलब कितना 6 ले सकते इसका, 6 2 की भी मल्टीपल में आता है, 3 की मल्टीपल में आता है। तो 2 को 6 बनाने के लिए अपन इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। चलो दोस्तों, तो दोनों में वही प्रोसेस करते तो नाउ इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करने वाले 3 से एंड इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करने वाले कितने से,
टू से, ताकि दोनों की कॉपी संख्या हो जाए सेम हो जाए। तो जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को अपन 1 से 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 * 4 हो जाएगा दोस्तों 12x, 2 * 3 कितना हो जाएगा इसमें 6y, और 3 * 6 कितना हो जाएगा इसमें 18। ओके, न्यू इक्वेशन फॉर्म में इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। देन इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना तो हो जाएगा 2 * 5 10x, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 * 3 6y, और 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 * 2 कितना हो जाएगा 4। इक्वेशन नंबर नाम देते हैं इसको अपन ने 4। ओके, तो नाउ दोनों में 6y 6y क्या दे रहा है, इसका मतलब y वाले को अपन बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। इससे अपन इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इक्वेशन नंबर 3 में से 4 को क्या कर रहे हैं माइनस, इक्वेशन नंबर 3 में से 4 को क्या कर रहे हैं माइनस। जैसे अपन इक्वेशन नंबर 3 में से 4 को माइनस करें, इसके पूरे जो साइन चेंज, जो प्लस है माइनस है, जो माइनस है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस है भी प्लस का माइनस। तो 12x में से 10x गया दोस्तों, ये बचेगा कितना 2x। ओके, 6y 6y क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, 18 में से 4 का कितना बचेगा 14, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 अपॉन 2, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 दोस्तों। तो x का आंसर आ चुका है आपका, सेम जैसे x का आंसर आ गया तो हमें अभी क्या करना है, x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें y की, तो पुट कर देते हैं x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर देते तो देयर पे इक्वेशन नंबर 1 का कर देता अपन इंप्लाइज, इक्वेशन नंबर 1 को जैसे इंप्लाइज की दोस्तों, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 7, तो हो जाएगा 4 * 7 + 2 * y, 2 * y इक्वल टू कितना 6। ओके, तो 4 * 7 कितना हो जाएगा 28 + 2 y इक्वल टू कितना 6, ट्रांसफर करते दोस्तों तो 2y इक्वल टू 6 - 28, देयरफॉर 2y इक्वल टू 6 - 28 हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ 22। ओके, तो देयरफॉर y इक्वल टू माइनस ऑफ 22 अपॉन 2, देयरफॉर y इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा माइनस 11। ओके, हमारे जो सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन गिवन, इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू जाएंगे 7 और ये हो जाएंगे माइनस 11। तो दोस्तों अभी अपन ने देखिए तो ये जो मेथड्स बताया मैंने, ये सारे के सारे हमारे एलिमिनेशन मेथड्स थे। ओके, तो अपन ने एलिमिनेशन मेथड में 3 से लेकर 4 एग्जांपल्स मैंने समझा के दिया, जिसमें अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स है, तो उस टाइप के एग्जांपल्स में आपको क्या करना है ये थोड़ा सा याद रखना। ओके, तो बेसिक सी चीजें थी एलिमिनेशन मेथड की, जो मैंने अपने तरफ से कुछ क्वेश्चन लिए और उसको मैंने उसको एक्सप्लेन करके दिया। ओके, सेम क्वेश्चन हमारे पास कहाँ रहने वाले, बुक में रहने वाले, एक्सरसाइज में रहने वाले, जिसका सोल्यूशन सेम तरीके से हम आपको बनाना। ओके, इसी के साथ कोई इक्वेशन तुम्हारी इस फॉर्म में होती नहीं, लीनियर फॉर्म में नहीं होती, तो उसको हमें कन्वर्ट करते भी आना चाहिए। चलो एक एग्जांपल उस टाइप का भी ले लेते थे, आगे आपको उसको सोल्यूशन बनाने दे दूंगा। सपोज कोई इक्वेशन है 1 / x + 2 / y इक्वल टू 4। ओके, और इक्वेशन दूसरी इक्वेशन ले लिए बने 3 / x + 4 / y इक्वल टू 7। तो दोस्तों अभी जो इक्वेशन दिखाई दे रही है, अब इसका हमें सॉल्यूशन बनाना है, तो जो कि हमारे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिखाई दे रही, तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना। ओके, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो अपने यहाँ 1 / x यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 / y है, यहाँ 1 / x का फॉर्म दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 / y का फॉर्म दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो अपन पुट कर देते हैं 1 / x की जगह मैं कंसिडर करके चलता हूँ एम, और 1 / y के लिए कंसीडर करके चलता हूं n। ओके दोस्तों, 1 / x के लिए m को डब कर दिया तो m हो जाएगा, 1 / y के जगह n होता है तो कितना हो जाएगा 2n और इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। इक्वेशन नंबर इसको नाम दिया 1, और यहां आप सेम इक्वेशन हो जाएंगे तुम्हारे 3m, 1 / x की जगह m और 4 / y तो वहां 1 / y की जगह कितना n, तो हो जाएगा 4n इक्वल टू कितना सेम इक्वेशन नंबर 2। तो फिर से तुम्हारे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, जो कि तुम्हारा क्या रहने वाला भी होमवर्क रहने वाला। ओके, तो इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बना के मुझे व्हाट्सएप पर क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करना है, सेंड करना है। तो ये वाला सॉल्यूशन दोस्तों अपन क्या कर लेंगे, उसका चेक कर लेंगे, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा एलिमिनेशन जो मेथड है वो यहाँ क्लियर हो जाता है, और इसके ऊपर के जो क्वेश्चन रहने वाले वो जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो रहने वाली हमारी है, नेक्स्ट जो क्लास रहने वाली है, उस नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज में अगेन डिस्कस करने वाले, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसी तरह से अपन इसका सॉल्यूशन बनाने वाले। कुछ क्वेश्चन उसमें एक्टिविटी बेसिस पर रहने वाले, मींस ऑलरेडी उसमें सॉल्यूशन दे रहे हैं, तुम्हारे पास जो डब्बर है उसको क्या करना है फिल करना है, तो उस टाइप के जो क्वेश्चन है हम उस टाइप के क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो अपन जो नेक्स्ट क्लास रहने वाली, जो आपका गिवन शेड्यूल रहेगा इसको की तरफ से, उसी टाइमिंग पर हमारी स्टार्ट होने वाला है। तब तक दोस्तों अभी बाय, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ओके।